लव यू जिंदगी। आज का दिन है आठवां। हर हम इस आठवें दिन के इसमें जिस लेसन के बारे में या जिस हैक के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ बेटर बना सकता है, हमारी लाइफ प्रोडक्टिव बना सकता है। इट इज अबाउट नेकी, काइंडनेस, करुणा दिखाना। इसके बारे में जोहान एक राइटर हुए हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वे कहते हैं कि दया वह सुनहरी जंजीर है जिससे समाज एक साथ बंधा हुआ है। जी वाकई, अगर आप ये एक प्रैक्टिस बना ले तो किसी दिन अगर आप एक भलाई का काम या एक नेकी का काम या किसी अनजान की आप मदद ना करें तो आपको वो दिन अधूरा सा लगेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिन्हें मिल रहा है वो वाकई नसीब वाले हैं, लेकिन आई फील कि होना उल्टा चाहिए, या शायद होता भी है कि जो देते हैं ना, लेने वाले से देने वाले को खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं आज लोगों की मदद कर पा रहा हूं। आप कभी करके देखिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब भी हम किसी अपने को, अपने माता पिता, बच्चों या फिर अपने दोस्तों को कभी कुछ गिफ्ट देते हैं, मे बी मौके पर या बिना मौके के, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं। इसी से अगर हम एक कदम आगे बढ़े और सोचें कि हमने सिर्फ अपने वालों को ही नहीं, हम अनजान लोगों को कुछ दे के देखें, आप देखेंगे कि आपको वो मन में कितनी खुशी दे रहा है। कभी जाकर देखिए किसी अनाथ आश्रम में, या फिर किसी गरीब को जो देख रहा है आपकी तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से कि आप अभी उसे कुछ देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप उन्हें रुपए दीजिए या इसके बारे में अब वो बात करेंगे तो बहुत बात लंबी चली जाएगी, लेकिन कोई जो देख रहा है, जरूरतमंद है, और अगर आपको लगता है कि आप मदद कर सकते हैं, हो सकता है एक ठंडी लस्सी गर्मी के दिनों में या ठंडी छाछ किसी को आप पिला दे, ठंडे गन्ने का रस पिला दे, बहुत छोटी छोटी चीजें आप करेंगे, आपको चीजें बहुत छोटी आपके लिए होगी लेकिन जो आपको खुशी देगी ना वो छोटी नहीं, वो बहुत बड़ी होगी। आई एम बिग सलमान खान फैन यार, इट्स अमेजिंग नो। यस नहीं, लेकिन हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उनकी एक मूवी है जय हो, जिसके अंदर उन्होंने इसी नेकी करने के बारे में, एक अपनी दया दिखाने के बारे में बात कही है। जय हो, जिसके अंदर वो बताते हैं कि आप किसी को थैंक यू मत कहिए, आप बदले में जिसको भी आप थैंक यू कह रहे हैं उनसे कहिए कि आप थैंक यू कहने के बजाय आप अगले और तीन लोगों को मदद कीजिए, और उन तीन लोगों को फिर से यही बात करने को कहिए। यानी, और इस तरीके से वो एक चेन बनाते हैं, बना सकते हैं, और जिसका कई एक लंबा कैलकुलेशन वो करके बताते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश में, इस दुनिया में कोई भी बिना मदद के या तकलीफ से नहीं रहेगा, क्योंकि उस जब कोई तकलीफ में होगा तो उसको तकलीफ से निकालने के लिए चार हाथ आगे आएंगे। जी आपने देखा है मदर टेरेसा, उनके फोटोज या वीडियोज, वो कभी भी उन फोटोज या वीडियोज में कभी भी ऐसे दुखी नजर नहीं आती है। क्यों? लाइफ टाइम उन्होंने अपना काम जो किया है वो सिर्फ देने का किया है। कितने अनाथ बच्चों को, कितने जरूरतमंदों को, कितने बुजुर्गों को जो बीमारी से परेशान हो रहे थे उनको मदद की है, उनका ध्यान रखा है, और इस वजह से हमने कभी भी उनको दुखी नहीं देखा है। क्योंकि जब कोई इंसान देता है ना तो उसे बदले में खुशियां और बहुत सारी खुशियां मिलती है। और अगर हम भी देने की इस प्रैक्टिस बनाएं, कोशिश करें, नेकी करने की कोशिश करें, तो हमें भी बहुत सारी खुशियां मिलेगी, और हम ये सब साथ में मिलकर इस दुनिया को बहुत रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह बना सकते हैं। आखिर में विनम्रता इंसान को महान बनाती है, लेकिन दया इंसान को देवता बनाती है।